हाय, मैं राम और आप सब हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे 4 टेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, वो मैच ड्रॉ हो गया है। ऑब्वियसली पहले दूसरे दिन से पता चल रहा था कि ये मैच जो है ना वो ड्रॉ की तरफ जाएगा, क्योंकि एकदम यू नो बैटिंग फाराडाइज था, बैटिंग ट्रैक था, सो यू नो लंबी स्कोर लग रहा था जो कि उनकी तरफ से भी हुआ, इंडिया की तरफ से हुआ। उनकी तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 180 का बड़ा स्कोर किया, इंडिया की तरफ से भी विराट कोहली ने 186 का एक बड़ा स्कोर किया एंड फॉर्म में आए। सो तो यहाँ का तो मैच जो है वो तो डिसाइडेड था कि ड्रॉ होगा। बट न्यूजीलैंड श्रीलंका का जो मैच चल रहा था वहाँ पर न्यूजीलैंड में, वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि लास्ट डे उनको न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 257 रन की जरूरत थी एंड उसमें बारिश भी हो गया था, तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो चेस करने के लिए जाएंगे। बट केन विलियमसन एंड डेरिन मिचेल ने यू नो एक शानदार पारी खेली एंड वो लास्ट बॉल में वो मैच जीत गए 2 विकेट से। सो कहीं ना कहीं वो वहां पर जो जीता श्रीलंका ने उसका इंपैक्ट यहां पर इंडिया को पड़ा है एंड इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा था, इसी तरह का यू नो सिनेरियो हुआ था कि साउथ अफ्रीका हार गई थी एंड पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया था। सो उसी तरह हुआ, इंडिया के लिए डबल सेलिब्रेशन था, एक टेस्ट सीरीज जीत गया 2-1 से एंड फाइनल पे पहुंच गया, तो दोनों मोटिव जो है वो उनका सक्सेसफुल रहा। सो इसमें यू नो मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे एंड मैन ऑफ द सीरीज जो है वो अश्विन रहे। अश्विन ने इस सीरीज में 4 टेस्ट मैच में 25 विकेट्स लिए हैं एंड शानदार परफॉर्मेंस किया है। और सो फाइनली इंडिया पहुंच गया एंड जो क्रेडिट है ना फाइनल में पहुंचने का, आई थिंक केन विलियमसन को जाता है। उन्होंने शानदार 100 किया, 2800 किया और नॉट आउट भी रहे और आम अपने टीम को यू नो जिताया। सो ये काइंड ऑफ ट्रिकी है कि वो लोग जीतने के लिए क्यों गए। ऑब्वियसली खेलते हैं जीतने के लिए, बट यू नो जब उनका मैच चल रहा था तो 125 रन चाहिए थे 25 ओवर में, जो कि 125 रन 25 ओवर में वनडे फॉर्मेट में भी लोग थोड़े से यू नो नहीं जाते हैं इतना स्कोर करने के लिए, मुश्किल होता है। बट आज तरह की जो क्रिकेट चल रहे हैं, जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा है एंड सारे टीम्स T20 का जो इम्पैक्ट है वो सब में आगे दिखने लगा है एंड यू नेवर नो सब जीत जाते हैं। सो जो भी हो, इंडिया को फायदा हुआ, इंडिया फाइनली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। अब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये फाइनल होगा वो इंग्लैंड में होगा। सो यू नो और कल हम बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज में किसने अच्छा खेला है और कौन ज़्यादा रन्स किए हैं, कौन विकेट्स ज़्यादा लिए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग रिव्यू करेंगे। तो सी यू टुमारो।